हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने यूरिनरी सिस्टम में उसके जनरल एग्जामिनेशंस, उसके कार्डिनल सिम्टम्स, उसके रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करना है, ये सब चीज़ें हमने अच्छे तरह से डिटेल में देखा है फ्रेंड्स अभी, ठीक है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग एक एक करके यूरिनरी सिस्टम में एक एक करके डिसीजेस देख लेते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, डिसीजेस में सबसे पहले हम लोग अभी देख लेते हैं एक्यूट रेनल फेल्योर या फिर एक्यूट किडनी इंजरी, अभी हम लोग देखने वाले हैं फ्रेंड्स अभी, ठीक है। फ्रेंड्स, जो एक्यूट किडनी इंजरी या फिर एक्यूट रेनल फेल्योर जो है, ये कुछ पर्टिकुलर कॉजेस की वजह से है, एक पर्टिकुलर टाइम तक हमारी किडनी क्या होता है, किडनी का प्रॉपर फंक्शनिंग बिगड़ जाता है, या फिर क्या होता है, पर्टिकुलर टाइम के लिए हमारी किडनी डैमेज हो जाती है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। उस पर्टिकुलर टाइम में हमने समझो अच्छे तरह से प्रॉपरली उसको ट्रीटमेंट किया तो क्या होता है, ये कम्प्लीटली किडनी डैमेज क्या होता है, कम्प्लीटली रिकवर हो सकती है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। पर्टिकुलर टाइम में अच्छे से हमने समझो ट्रीटमेंट की है तो ये क्या होता है, किडनी डैमेज कम्प्लीटली रिकवर हो सकता है फ्रेंड्स वहाँ पे, इसलिए ये क्या हो जाता है कि एक्यूट रेनल फेल्योर या एक्यूट किडनी इंजरी, ठीक है। इसलिए फ्रेंड्स, हमें इस कंडीशन में हमें अच्छे तरह से प्रॉपरली ट्रीटमेंट करना रहता है। समझे, पर्टिकुलर टाइम में हमने प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं किया तो क्या होता है फ्रेंड्स, एक्यूट किडनी जो इंजरी होती है ना, ये किडनी इंजरी परमानेंटली डैमेज हो जाती है, या फिर किडनी क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे, किडनी परमानेंटली डैमेज हो जाती है, और वहाँ पे एक्यूट किडनी इंजरी का पेशेंट में क्या होता है, क्रोनिक किडनी डिसीजेस में लैंड अप हो सकता है। इसलिए पर्टिकुलर टाइम में जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं ना फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर टाइम में ट्रीटमेंट बहुत ही जरूरी रहती है। ऐसे इस पर्टिकुलर टाइम में अच्छे से हम लोग प्रॉपरली ट्रीटमेंट की तो ऐसे एक्यूट किडनी इंजरी के पेशेंट कम्प्लीटली रिकवर होकर नॉर्मल हो सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए जरा सा हमें अच्छे तरह से पढ़ना भी है और जरा से अच्छे तरह से पेशेंट को अप्लाई भी करना है फ्रेंड्स ऐसे केसेस में, ठीक है।